नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत पुराण कथा का समापन पूर्ण आहुति यज्ञोपवीत के साथ संपन्न हुआ। समापन के दिन भी भक्तों की भारी भीड़ उपस्थित रही। आयोजन स्थल पर उपस्थित सभी लोगों ने यज्ञोपवीत पूर्ण आहुति में बारी बारी से अपनी सहभागिता निभाकर आस्था और धर्म के इस पुनीत कार्य को संपन्न किया। वहीं लगातार 9 दिनों से चल रहे भागवत पुराण कथा के साथ भक्ति के इस अनूठे आयोजन पर अस्थायी विराम लग गया। वार्ड नंबर 15 राजनगर शांति नगर में चार पौराघार से पधारे कथावाचक महाराज मनोज गौतम की ओर से प्रत्येक दिवस जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता था, उससे लोगों में अटूट भक्ति का भाव उमड़ता एवं हर आयु वर्ग कथा वाचन से पूर्व ही आयोजन स्थल में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने को आतुर रहता था। नगर परिषद बनगवा वार्ड नंबर 15 वैसे तो संपूर्ण कोयला अंचल भर में हर मामलों में एक अलग ही ओहदा रखता है। यहाँ भक्त जनों ने प्रतिदिन बढ़ चढ़ कर भाग लिया। श्रद्धालुओं ने प्रतिदिन श्री कृष्ण की लीलाएं भक्ति भाव से सुनी। भंडारे से एक दिन पूर्व सुदामा चरित्र का वर्णन महाराज मनोज गौतम की ओर से बड़े ही भक्ति भाव से सुनाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ का तांता लगा रहा। मुख्य यजमान के रूप में कैलाशी देवी, गिरिजेश शशि बाला, राजेश उर्फ राजू, मीना श्रीवास्तव, अरविंद अंजलि श्रीवास्तव, अजय संगीता श्रीवास्तव, विनोद सुधा श्रीवास्तव, विकास उर्फ बंकू, रिंकू श्रीवास्तव, आदर्श, आदित्य, प्रियांशी, समीक्षा, अंकित, अंकिता, छवि, अंशु, शिवांश, अर्श श्रीवास्तव, श्रीमद् भागवत कथा पुराण का आयोजन कराया। लिहाजा कई दशकों के पश्चात शांतिनगर में आयोजित हुई धार्मिक समरसता के प्रतीक श्रीमद् भागवत पुराण कथा सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। भंडारे के साथ ही भागवत का समापन हुआ। भंडारे में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। राजनगर से हमारी संवाददाता सुमिता शर्मा की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।